हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज दोस्तों मेरा मन हो रहा था कुछ बाहर का खाने का, तो मैं अब आ गया हूँ मिस्टर ब्राउन में और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है पेटीज विद पेस्ट्री। और ये आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो पेस्ट्री लिया है, एक तो ये चॉकलेट पेस्ट्री है, दूसरा मेरा पाइनएप्पल पेस्ट्री है। और यहाँ का जो पेटीज है दोस्तों काफ़ी गर्म है और क्रिस्पी भी है खाने में। टेस्ट में दोस्तों ये काफ़ी सही है और काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और स्टफिंग भी पेटीज में दोस्तों काफ़ी अच्छी की है। अब बारी है दोस्तों इस पेस्ट्री को ट्राई करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अनरैप कर देते हैं। ये आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि दिखने में तो दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी लग रही है, और ये आप लोग गैस देख सकते हैं, इसके ऊपर बहुत अच्छे से पिस्ता की गार्निश भी की गई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टेस्ट करके कि कैसा इसका टेस्ट लगता है। ये आप लोग दोस्तों देख सकते हैं पेस्ट्री काफ़ी फ्रेश है और ब्रेड भी दोस्तों काफ़ी सॉफ्ट है। चलिए मैं इसको टेस्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट मुझे कैसा लगा। टेस्ट वाइज तो मुझे दोस्तों चॉकलेट पेस्ट्री ही ज़्यादा बेटर लगी। पाइनएप्पल पेस्ट्री दोस्तों कोई ख़ास नहीं थी। दिखने में ही दोस्तों ये ब्रेड ब्रेड सिर्फ लग रहा है खाने में, कोई दोस्तों क्रीम का फ्लेवर नहीं आ रहा है। चॉकलेट पेस्ट्री मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप मिस्टर ब्राउन में अगर खाने के लिए पेस्ट्री जाते हैं तो ज़रूर दोस्तों चॉकलेट पेस्ट्री ट्राई करिएगा, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा यहाँ का। और अगर प्राइस की बात करें तो दोस्तों पाइनएप्पल पेस्ट्री जो है वो इनका 98 रुपीज़ का है और चॉकलेट पेस्ट्री 102 रुपीज़ का है। और मैं अब आ गया हूँ दोस्तों फन मॉल में, और यहाँ पे मैं अब जाने वाला हूँ KFC। ये आप लोग गैस देख सकते हैं, मॉल काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव था और हम आ गए हैं अब KFC में। और यहाँ पर हमने लिया है KFC का चिकन रोल विथ ड्रिंक। वैसे तो दोस्तों चिकन रोल KFC का सिर्फ 99 रुपीज़ का है, और अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो आपको 130 रुपीज़ पे करना होता है, क्योंकि इसमें वो लोग जो है एक सॉस यूज़ करते हैं, आई थिंक वो मेव यूज़ करते हैं मेयोनीज, तो वो उसका आपसे सेपरेट चार्ज लेते हैं और आपको वो कंपलसरी होता है ऐड करवाना। ये लोग अपने पास से कोई भी डिप्स वगैरह इसके अंदर ऐड नहीं करते हैं। चलिए मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको अनरैप करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में हमारा ये KFC का चिकन रोल जो है कैसा है अंदर से। और ये न्यू लॉन्च है KFC का मेन्यू में। वैसे दोस्तों पराठा इनका काफ़ी दोस्तों हार्ड है, ये आप लोग देख सकते हैं, और ठंडा है। खैर इसको मैं टेस्ट करूंगा तब दोस्तों जो है इसको मैं बताऊंगा आपको कि इसका मुझे टेस्ट जो है कैसा लगा। और इसके अंदर की जो स्टफिंग है वो आप लोग देख सकते हैं, एक बोनलेस दोस्तों चिकन है और ये मेयोनीज है, और आपको केचप मिल जाता है सिर्फ ऐड करने के लिए। मैंने दोस्तों इसको स्पाइसी बनवाया है थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर वो कुछ भी नहीं दोस्तों ऐड करते हैं, कोई भी सैलड नहीं होता है और सिर्फ नॉर्मली चिकन होता है। और पराठा तो दोस्तों इतना ज़्यादा हार्ड है कि दोस्तों टूट ही नहीं रहा है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही दोस्तों हार्ड पराठा है। चलिए मैं अब इसको टेस्ट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। बहुत ही दोस्तों हार्ड है और ठंडा भी है, और जैसा कि दोस्तों KFC में आप लोग आते होंगे और हमेशा से उनका चिकन अच्छा रहता है क्योंकि उनका टेस्ट ही लाजवाब है। लेकिन दोस्तों इस बार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि KFC ने अपने मेनू में ये चिकन रोल क्यों ऐड कर दिया। मुझे तो इस चिकन रोल का टेस्ट एकदम घटिया लगा, और मेरी दोस्तों KFC को इससे कोई दुश्मनी नहीं है, और मैं KFC का चिकन पर्सनली पसंद भी करता हूँ, लेकिन इस चिकन रोल को दोस्तों मैं आपको नहीं रिकमेंड कर सकता क्योंकि ये मुझे भी एकदम घटिया लगा है और बकवास लगा है, तभी दोस्तों मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर सकता हूँ। सॉरी KFC। खैर दोस्तों ऑर्डर किया था तो ख़त्म तो करना बनता ही है, क्योंकि वेस्ट
मैं फूड जो है बिल्कुल नहीं करता हूँ और टेस्ट अच्छा नहीं था तो मुझे ज़बरदस्ती खाना पड़ा, आप समझ सकते हैं। वैसे ये ड्रिंक जो मैंने लिया है वर्जिन मोजिटो, ये काफ़ी अच्छा था। और इसके बाद मैं आ गया हूँ मैकडोनल्ड्स और यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है मैक महाराजा चिकन बर्गर विथ मैक स्पाइसी पनीर बर्गर, और इसका ये आप लोग बिल देख सकते हैं। और ये बर्गर आप लोग देख सकते हैं, चिकन महाराजा मैक बर्गर काफ़ी दोस्तों बड़ा है और इसमें इन्होंने इसको हमको जो है पूरा का पूरा पैक करके अच्छे से दिया है। ये है हमारा मैक स्पाइसी पनीर बर्गर, मैंने आई थिंक इसको उल्टा खोल दिया, अब इसको मैं सीधा कर देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं दोनों का दोस्तों जो साइज़ है वो दोस्तों काफ़ी अंतर है साइज़ में। ये पनीर बर्गर है, इसमें इन्होंने पनीर पैटी का यूज़ किया है और मैंने इसको स्पाइसी करवाया है। और ये है मैक महाराजा चिकन बर्गर और इन्होंने इसके अंदर बहुत सारा दोस्तों लेट्यूस डाल के दिया है, केचप डाल के दिया है। आई होप कि इसका टेस्ट भी अच्छा हो। मैंने दोनों को मील के साथ में लिया है और पर्सनली मुझे जो है मैक महाराजा चिकन बर्गर पूरा पैसा वसूल लगा। मैक महाराजा चिकन बर्गर में दोस्तों जो चिकन की क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी और चिकन भी एकदम फ्रेश था, जूसी था और खाने में बर्गर बहुत ही टेस्टी था। तो अगर आप मैकडोनल्ड्स से कोई सा भी बर्गर लेते हैं तो एक बार मैक महाराजा बर्गर ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। चिकन वाला अगर ट्राई करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स।